गुड इवनिंग स्टूडेंट। इधर से भी तो वॉइस आ रही है। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अगर मैं जनरल आपसे पूछूं कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बताओगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्लियर आप लोगों को? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यही है सारा कुछ, समझ लो सब कुछ यही समझ लो, क्योंकि रेशियो बनाना मैं बहुत बार सिखाया, मैक्सिमम टॉपिक में आपको रेशियो बनाना सिखा दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी स्पीड एंड टाइम को भी रेशियो से करेंगे। देखो कितने टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, आप देखो कितना टाइम लगता है, कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। वो डिसाइड आप लोग करना, मैं बेसिक से फिर भी हर एक टॉपिक में जैसा बेसिक लेता हूँ, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन का बेसिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जिन लोगों को बेसिक से आइडिया है वो बेसिक हम लोग देखेंगे। अभी नोट करना थोड़ा बंद करो, ऐसा कुछ मैंने लिखा भी नहीं है बोर्ड पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ लो पहले। अगर मैं यहाँ से बोलूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, एक बात बताओ आप लोग, स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? क्लियर? यानी स्पीड बढ़ाओगे तो, सॉरी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगी। अगर स्पीड डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। अगर टाइम को इंक्रीज करोगे तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अगर टाइम को डिक्रीज करोगे तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट है, तो पहले अगर स्पीड एस वन है तो डी वाई, डिस्टेंस को मैंने डी से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को मैं डी से अगर डिनोट कर रहा हूँ तो ये डी वाई क्या होगा? टी वन होगा क्या? एट टाइम टी वन हमने डिस्टेंस को क्या लिया है? कॉन्स्टेंट लिया है। तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट लिया है तो सपोज कर अभी स्पीड क्या है? एस वन है। तो उस समय जो टाइम लगा हमारा कितना है? टी वन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्पीड चेंज हो गई, एस टू हो गई, अभी भी डिस्टेंस वही आपका, मतलब घर से ऑफिस की बात है, ठीक है ना, या घर से कोचिंग की बात है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपन क्या हो गया? टी टू हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा? एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू डी अपॉन टी वन अपॉन डी अपॉन टी टू आएगा। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी? एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू डी अपॉन टी वन इंटू ए रिवर्स होगा तो क्या होगा? टी टू अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, आया क्या? एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू क्या आया? टी टू अपॉन टी वन। दैट मीन्स यहां से क्या आया कि जो टाइम है आपका, जो टाइम है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है क्या स्पीड के? जो टाइम है वह स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है क्या? जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम हो रहा है, राइट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आप जब कोचिंग पे जाते हो, कुछ लोग जॉब वाले भी हैं, जब जॉब पे या कोचिंग पे जाना रहता है, स्टार्टिंग की फेज की बात है, जहाँ हमें कोचिंग अभी अटेंड करने आना है, जैसे मेरे ही ले लो, क्लास रहती है जल्दी आना पड़ता है, आपको भी जब कोचिंग आना रहता है या आपको जॉब पे जाना रहता है तो घर से निकलते हो क्या? आराम से निकलते हो आप जल्दी जल्दी आते हो। थोड़ा सा अगर टाइम आपको लेट हुआ तो फटाफट भागे भागे आते हो, ठीक है ना, सीढ़ियाँ उड़िया कुछ नहीं देखते हो, फटाफट ट्रेन में पकड़ना होता है, कुछ लोग तो ट्रेन में चलते ट्रेन में भी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है, जिस समय आपने दौड़ के आया उस समय क्या किया आपने? स्पीड बढ़ाया क्या? क्यों बढ़ाया आपने? क्योंकि टाइम कम था, टाइम कम था, यानी स्पीड जब बढ़ी तो आपके पास टाइम क्या हो गया? कम हो गया। आज जब आप इधर से जाते हो, आप क्लास छूट गए तो क्या करते हो? दौड़ते हुए जाते हो, कुछ लोग तो बैठे रहते हैं क्लास में, चलो बाद में चलेंगे आराम से, ठीक है ना। ऐसे सब जॉब पे भी होता है, जॉब पे से छूटते हैं तो क्या करते हैं? आराम से फिर चाव लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से निकलते हैं। उस समय क्या उतनी स्पीड से जाते हो क्या आप? नहीं। तो जिस टाइम अगर रिटर्न हो रहे हो तो क्या सेम टाइम लगता है क्या जिस टाइम आने का टाइम का? नहीं, उस समय टाइम आपको क्या लगता है? ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत आराम से जा रहे हो, आराम से जा रहे हो तो इसका मतलब स्पीड स्लो करके जा रहे, बहुत आराम से जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, तो धीरे धीरे जा रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आपका स्पीड क्या है? कम। क्लियर? अब यहां से देखो, अगर ये तो आ गया जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, अब मैं बोलूँ टाइम कॉन्स्टेंट, अगर मैं बोलूँ टाइम कॉन्स्टेंट, अगर टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो जो स्पीड है एस वन इज इक्वल टू डी वन अपन क्या होगा? टी होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होगा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? अगर मैं एस टू स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस कितना चला इसने? डी टू बाई टू,
दोनों सेम है। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एस वन अपन एस टू इज इक्वल टू डी वन अपन डी टू आएगा क्या, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। सेम रिलेशन किसके लिए आएगा, टी वन अपन टी टू, अगर आपने स्पीड कॉन्स्टेंट कर दिया है और टाइम आपका क्या है डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है, क्या आएगा टी वन अपन टी टू इज इक्वल टू डी वन अपन डी टू। समझ में आया क्या इतनी बात, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो बहुत से लोग करते होंगे सर इसके तीन फार्मूले आते हैं, तीन फार्मूले बताओ, इसके तीन फार्मूले बताने का कोई मतलब है क्या। देखो अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। अगर मुझे स्पीड डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, टाइम के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। समझ में आ गया इतनी बात, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, राइट है ना। ये फार्मूला ए रेशियो याद करो, ए रेशियो में कैसे कर रहा हूँ, अगर मान लो एस वन अपन एस टू की वैल्यू मैंने दिया टू बाई थ्री, तो टी वन अपन टी टू की वैल्यू क्या होगी, थ्री बाई टू होगी क्या। डायरेक्टली मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा हम लोग लिखेंगे, ये समझो एस वन अपन एस टू की वैल्यू टू बाई थ्री दिया है तो टी वन अपन टी टू की वैल्यू कितना, थ्री बाई टू होगी क्या, जस्ट रिवर्स होगा। ये कितने लोगों को समझ में, बहुत कम लोगों को समझ में, क्योंकि चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है। अरे क्यों नहीं ऐसे समझ में आया, सिंपल मैंने क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट रेशियो बनाऊंगा, आई हमें डायरेक्ट रेशियो दे रखा हूँ, ठीक है ना। तो कोई नहीं समझते हैं इसको, इसको थोड़ा बाद में, तब तो इसको रखते हैं ना, इसको उतना स्पेस नहीं, ठीक है। फार्मूला समझ गया तो फार्मूला में बता दूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है थोड़ा सा, तो पूरा डिटेल में बताने के लिए ये चीजें छोटी नहीं होती, ये चीजें बड़ी होती है, बट मैं बताऊंगा कि आपको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कैसे आप फटाक दे करोगे। जैसे आपने परसेंटेज में रेशियो बनाना सीखा ना, क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करना है, इनिशियल वैल्यू लेना है। आपने पढ़ा नहीं, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्लास ले थे, आप और किस में थे, रेशियो में थे, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे रेशियो नहीं बनाते थे कि अगर 20% की वैल्यू 1/5 है तो 5:6 होता था इंक्रीज डिक्रीज का, तो रेशियो बनाना सिखाया था ना, तो कुछ यहाँ पे भी देखेंगे। अब एक चीज एक्स्ट्रा और देख लो, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इतना ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं है। अब एक चीज और समझ लो कि इसके क्या होता है, यूनिट का कन्वर्जन, क्या होता है आपका यूनिट का कन्वर्जन। सम टाइम क्या होता है कि किलोमीटर पर सेकंड में है तो उसको हम लोग किस पर आवर्स में है तो उसको हम लोग किसमें चेंज करना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया, चलो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1 आवर्स में कितना मिनट होता है, 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, देखो 1 आवर्स में 60 मिनट, 60 मिनट में कितना सेकंड हुआ, कितना सेकंड हुआ, 3600 कितना हुआ, 3600। मैं डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि 1 आवर्स में कितने सेकंड होगी, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे रिपीट किया गया था, ऐसा स्टेटमेंट में आता तो वहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है, वही तो बोल रहा है वो, यानी 1 मिनट में क्या 60 सेकंड, तो 60 मिनट में क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब इसको तो आप कैंसिल कर लो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे 5, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 18, तो कितना आ गया 5/18। जस्ट इसी का रिवर्स होता है, जस्ट इसी का रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है कि हमें अगर दिया हुआ मीटर पर सेकंड में तो हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर पर आवर, तो मैं जस्ट इसी का उल्टा कर देता हूँ, 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब जिसको इसको देखना होगा सेम इसी तरह से कर लेगा, सिंपल है ना, समझ में आया यहाँ तक। चलो इसको नोट कर लो, फिर रेशियो को मैं बताता हूँ ताकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना, इतना नोट कर लो। प्रॉपर समझना आप लोग स्पीड एंड टाइम को, आपको बहुत सिंपल लगेगा। टाइम एंड वर्क दूसरा टॉपिक हो जाता है, कितने टाइम में कितना वर्क किया। और वीकेंड बैच में तो आप लोगों का हुआ नहीं टाइम वर्क, सिंपल एंड एसआई भी नहीं हुआ, एसआई सीआई भी नहीं।
डीआई तो मैंने सुना है कि हुआ था, पंकज सर साहब ले रहे थे। हाँ तो वीकेंड, ये साथ वीकेंड ही बैच है। नहीं डीआई तो कोई स्पीड एंड टाइम से भी बना लेते हैं, ऐसा भूल जाए, ऐसा तो भूल के मत छोड़ना कि नहीं डीआई बस हमारा रेशियो परसेंटेज से आता है, एवरेज से आता है। नहीं इस समय ट्रेंड है, यही तो चेंज किया है इसने बैंकिंग ने। आपको डीआई क्या है, डीआई सबको पता होगा, डीआई तो आना है, चलो दो डीआई आना है, 10 क्वेश्चन तो आना है बैंकिंग में, सब फिक्स हो गए, सब मजे में आएंगे। चलो 10 क्वेश्चन तो आएगा, 10 आंसर कर देंगे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देंगे, 5 आवर सिंप्लीफिकेशन से बस इतना तैयार करके जाते हैं, पूरी अरिथमेटिक छोड़ दिया। ये क्या करता है ना, पूरे डीआई इस पे स्पीड एंड टाइम पे बना देता है बैंक को। इस समय नया इनका ट्रेंड है, वो सारा डीआई क्या करते हैं स्पीड एंड टाइम पे बना दिए। अब स्पीड एंड टाइम पे डीआई आपको बुक में भी बहुत कम मिलती है, सिंपल है ये फैक्ट है। आप नॉर्मल अगर बुक ओपन करो ना, नॉर्मल बुक खरीदो आप, तो उसमें स्पीड एंड टाइम पे तो डीआई भी कम मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एसआई एंड सीआई पर भी डीआई बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वो बना देते हैं। ये सारी चीजें होती है, देखो कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इसीलिए तो ये सारी चीजें इतना पढ़ रहे हो, यदि इतना पढ़ने क्या है, जो बैंकिंग वाले हैं बस ये 4 टॉपिक पढ़े, उससे ज्यादा पढ़ने क्या जरूरत है। तो डीआई है क्या, डीआई तीन का पार्ट है, अगर ये कंप्लीट है तो डीआई तो आसान है। हो गया नोट, चलो ड्रॉप कर दूं वो आप लोगों को, आप लोगों का हो गया नोट? नहीं, ओ सॉरी, हो गया? हाँ। कैसी कैसी? ऐसा किसने बोला? देखो अभी तक मैंने जितनी टॉपिक लिया है, कहीं ऐसा लग रहा था क्या कि अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मेरे को नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगा किसी टॉपिक में? मैंने कम से कम यहाँ पे वीकेंड वाले मैम मुझे लगता है कि 5 to 6 टॉपिक मैंने लिया है, 5 to 6 टॉपिक में ऐसा किसी को लगा क्या अरे ये मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा? सोच लो, कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट जो आपने जोड़ा था ना इसमें, इसमें नहीं कॉन्सेप्ट मैंने बाद में कराया, वो डिसऑनेस्ट वाला नहीं बोल रहे हो? क्या बात करो, पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से, एजेंट पार्टनरशिप हुआ है, पार्टनरशिप भी हुआ है, पार्टनरशिप हो गया है, भले आप लोग अदर लोगों से पूछो। चलो लिसन गाइस, लिसन अभी इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैंने यही बोला था ना, अगर S1 / S2 की वैल्यू कितना है 2/3, तो आपको T2 / T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2, ठीक है ना? ये मैंने बोला था, ये कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट ना, टाइम का रेशियो। तो एक बात बताओ कि अभी जस्ट इसको फार्मूला देखो, या तो फार्मूला कर लो, या तो इसीलिए मैंने फार्मूला ड्राइव किया कंसेप्ट के थ्रू, तो फिर से इसको कंसेप्ट के थ्रू नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फार्मूले पर बता रहा हूँ, ठीक है ना? हमने अभी देखा S1 / S2 = क्या आया, T2 / T1। S1 / S2 मतलब कितना दिया, 2/3 = टू क्या है, T2 / T1। तो T2 की वैल्यू क्या है, 2, T1 की वैल्यू 3, तो T1 / T2 कितना आ जाएगा, 3/2। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 और 3 डायरेक्ट क्यों ले लिया है, इसका बात तो सभी को क्लियर हो रहा होगा, उसे रेशियो में तो हम डायरेक्ट लेते नहीं है, बट हमने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया, मतलब कि कोई वैल्यू तो अगर रेशियो में गिवन है तो कैंसिल होके वो आई होगी ना रेशियो, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिया है तो क्लियर है ना उसका, क्योंकि रेशियो में हम अगर डायरेक्ट नहीं भी लेते, कोई कांस्टेंट लेते हैं, 2/3 है ना, क्या बोलो, T2 / T1 2/3 ना, हाँ तो T1 / T2 3/2, इसको रिवर्स कर, सेकंड में आपने भूल किया, रॉन्ग लिया देखो, अरे मैंने यहाँ पे रॉन्ग नहीं लिया, ये आंसर ही लिखा है मैंने, मैंने रॉन्ग नहीं सर, T2 / T1 = हाँ, वो ही कंफ्यूज है, ओके ओके सॉरी सॉरी, ठीक है ना, हाँ
ओके क्लियर हुआ। तो हमारे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको जस्ट इसको रिवर्स किया और क्या हो गया हमारा T2 अपन T1 इज इक्वल 2/3 है, तो T1 अपन T2 की वैल्यू कितना भाई 3/2। क्लियर हुआ क्या किसी को प्रॉब्लम? आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा S1:S2 इज इक्वल टू 2:3, तो T1:T2 क्या लिखोगे आप? 3:2। अब इतना क्लियर है ना, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो एक बेसिक ही क्वेश्चन करते हैं, चलो बेसिक ही क्वेश्चन करते हैं जो काफी जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, तो बस आपको थोड़ा सा फील होने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, हाँ, इफ स्पीड ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट टाइम विल बी डिक्रीज्ड व्हेन डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। जब डिस्टेंस आपका कॉन्स्टेंट 20%, वेरी गुड 20%, हाँ 20% आगे, अरे आंसर आ गया, आप ऑप्शन पे रुके बताओ। अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक्स भी बता दूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बता दूंगा, आप खुद डिसाइड कर लेना कौन सा हमें ज्यादा अप्रोच करना चाहिए, अप्लीकेबल ज्यादा होगा। चलो देख लेते हैं ना, लिसन गाइस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्पीड आप ए इज इंक्रीज बाय 20%, स्पीड आप ए इज इंक्रीज बाय 25%। अगर मैं मान लेता हूं कि ए की स्पीड पहले इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज डिक्रीज, अभी तो कुछ लोगों ने परसेंटेज की कल ही क्लास में था, तो इंक्रीज डिक्रीज कब होता, कोई इनिशियल वैल्यू रहेगी उसी तरह से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो हमने ए की इनिशियल वैल्यू कितना मान लिया, एक्स, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू एक्स है, तो फाइनल वैल्यू कितना बनेगी, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, राइट। ए वैल्यू फाइनल, ये इसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये क्या इसकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 25% की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, एलसीएम ले लोगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x बाय 4 हो गया फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। डिस्टेंस तो सेम है। अब जब एक्स की वैल्यू यानी स्पीड, पहली स्पीड यानी मान लो कि ये स्पीड मान लो S1 मान लो, इसको मान लो S2, ठीक है ना, S1 S2, जब स्पीड S1 है तो आपका टाइम क्या आएगा, T1 dy/x आएगा, क्या डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस d कांस्टेंट है ना, हमने d ले लिया, और टाइम स्पीड कितना आपने लिया है, x लिया, तो आपने x ले लिया, तो टाइम की वैल्यू कितना है, डिस्टेंस अपान स्पीड है। S2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू बताओ, तो फिर से क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कितना है 5x, 4, T2 की वैल्यू कितनी आती 4d/5x, राइट है। अब T1 आ गया, T2 आ गया, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या, रिड्यूस परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, पहले तो ये निकालो कितना कम है, तो क्या करोगे आप, T1 - T2 करोगे, क्या T1 - T2 अब किससे कम है, T1 से, तो क्या करोगे T1 * क्या 100, परसेंटेज निकालने का तरीका यही है, अब पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा T1 की वैल्यू कितनी है, d/x माइनस ए कितना है 4d/5x डिवाइड बाई फिर से क्या होगा d/x * क्या 100। अब आ जाओ एक लाइन और, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, अब देखो क्या आया, 5x यहाँ पे है, x यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा 5x आएगा, एलसीएम आ गया आपका कितना 5x, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5d - 4d डिवाइड बाई कितना आएगा dy/x * क्या 100, राइट है ना। अब इसी को क्या कर लो, 5d - 4d डी, तो dy कितना आ गया 5x, इसको जब रिवर्स करोगे तो क्या होगा x/d आएगा, क्या x/d आएगा * क्या 100, d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, 5 कैंसिल करो कितना आएगा 20, यानी कितना आ गया 20%।
आंसर राइट है, लेकिन यही तो आप पहले बताना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल अभी बात लिसन गाइस, ये हमारा एक्स सपोज करके हमने किया है, एक्स सपोज किया, ये बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ है ही नहीं, ये बेसिक था आपका, ये बेसिक करके आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अगर इसको बेसिक अवॉइड करके, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लग रहा है, अगर इसको अवॉइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो हमारा तो काम होने वाला नहीं, बस इतना मिलेगा, जस्ट नॉलेज मिल जाएगा, चलो स्पीड एंड टाइम का किसी बच्चे को पढ़ाना होगा तो हो सकता है, लेकिन हमारे कंपटीशन के लिए तो सही नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो परसेंटेज पे आओ, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अब बताओ अगर S1/S2 में निकालना चाहूँ, या पहले स्पीड निकालना चाहूँ, स्पीड का रेशियो निकालना चाहूँ, इनिशियल और फाइनल की, अगर इनिशियल वैल्यू 4 लूंगा तो फाइनल वैल्यू कितना, 5। क्यों 4 ले रहा हूँ, क्यों फाइनल 5 ले रहा हूँ, तो क्लियर सभी को, इसमें तो किसी को नहीं बताना। ठीक है, अब देखो तो टाइम क्या आ जाएगा, 5:4, ठीक है ना, यही है ना। अब बोला था टाइम कितना रिड्यूस हुआ, तो देखो पहले इनिशियल में टाइम 5 था, फाइनल कितना है 4 है, कितना रिड्यूस हुआ, 1, किससे डिक्रीज, 5 से, इनटू क्या 100, तो कितना गया, कितना गया 20%। समझ में आ गया, तो आप डिसाइड करना वो अप्लाई करोगा ये अप्लाई करोगे, मैं सारे क्वेश्चन में थे तो करने वाले नहीं हम लोग। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट करके क्वेश्चन लिखो आप। हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या चाहिए, पीडीएफ नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैंने फोटो नहीं किया, उनका पीडीएफ बनाया नहीं है, जैसे क्या होता है कि पीडीएफ बना लो कहीं, हाँ वही, जैसे क्या होता है ना, पीडीएफ हम लोग निकाल लें, मतलब कि इसी क्वेश्चन का हम फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना लेंगे, पीडीएफ बन जाता है तो उसको कर लेंगे, लेकिन अभी क्या ऑफलाइन क्लास चले, ऑनलाइन में सारी प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन में तो प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ हाँ नहीं, उसमें ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें थोड़ा डिक्टेट करने में प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन में क्या आएगा, मैं मोबाइल अलाउ किया ना तो मैक्सिमम लोग तो मोबाइल में क्वेश्चन ही पढ़ते रहेंगे। क्या तो पीडीएफ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस करो आप लोग, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने किसी को नहीं बोला, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है मेरे साथ कंटेक्ट करो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम कि आप अगर राकेश यादव को जो पीडीएफ ने, बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको, अब बुक का पीडीएफ मिलेगा तो एक साइज से एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप से तो करा के क्या करूंगा आपको, प्रॉब्लम ये है। इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ, पीडीएफ शेयर करने में क्या होगा कि मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही भेजे, ये 100% इसमें कोई गलत नहीं है, तो उससे क्या है ना डिक्टेट करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पीडीएफ वाली मैटर आई क्या, जब से ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हुआ तब से आप लोगों को पीडीएफ आना शुरू, लिखने का आदत आप लोग डाल लो, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ही, विदाउट आपका पेन कॉपी तो होना नहीं, और स्पीड तभी आएगी जब आप करते रहोगे तो, जब करोगे नहीं तो स्पीड आएगी कहाँ से। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स इन अ कार, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स इन अ कार at a speed of 60 km/h, he reaches office 1 hour late, 1 hours late, he reaches office 1 hour late. If he travels at a speed of 80 km/h, at a speed of 80 km/h, he reaches one hour early. Find the speed at which he must travel to reach office
रिच ऑफिस ऑन टाइम? सेवन अच्छा रिच ऑफिस ऑन टाइम, ऑन टाइम एंड दैट मीन्स क्या बोल रहा है उस बंदे की यूजुअल स्पीड पूछ रहा है 70 एवरेज निकाल दिया. देखो वही मैं बोला कि अगर मैं क्वेश्चन वही मैं करा अगर मेरे को भी कोई क्वेश्चन लगाना आता है चार पांच क्वेश्चन लगाता कहीं ना कहीं से आंसर 100% मेरे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत कम लोग आंसर किस लिए देते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाता है. अब कई बार मैंने यही कराया आप लोगों से दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसी टाइप का करा हूँ सारे लोग आंसर दिए तो इतना आप जितना सोच रहे हो उतना आसान है. इनडायरेक्टली में कहने का मतलब मेरा ये है ठीक है ना. अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं मैं बोल दिया जितना आप समझो उतना सिंपल नहीं इसका मतलब सिंपल से आपका गलत है. इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में क्या दो मतलब इनडायरेक्टली बताओ तो उससे आपकी आपकी बात आप क्या रहती लेकिन आप पूरा खोल के ओपन करके नहीं सर बताओ कि नहीं गलत है. कितना 33.33 और किसी का ऑप्शन आप बताओ ना एक आया 70 एक आया 33. हाँ यहाँ पे तो करोगे तो और अच्छी बात है ना ऑप्शन मिल गया तो आपके लिए तो और अप्रोच मिल जाएगा नजदीक वाला ना. हाँ तो और तो अच्छी बात है यहाँ पे कंपटीशन तो होगा. देखो लिसन गाइस ऑप्शन मैं कभी कभी देता हूँ कभी कभी नहीं देता हूँ. क्यों नहीं देता हूँ कि जब आप लोग ऑप्शन दोगे ना तो इससे क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगा और जब तक अपने आप में कंपटीशन नहीं होगा ना तब तक प्रिपरेशन होगा ही नहीं तब तक नहीं होगा. चलो 70 आया फिर इधर 33.3 सही आया और किसी बोलो कितना हितेश तुम्हारा कुछ तो आया होगा. देखो उसका 60 आ रहा है डैनिश का. चलो एक ले लेते हैं नन ले लेते हैं नन देख लेते हैं चार ऑप्शन हो गए. अब इससे क्या होता है कि इससे तो कंपटीशन बढ़ता है कि आप लोग भी सोचोगे ना नहीं चार ऑप्शन तो मुझे बताना है. अतनी क्लास ये एकदम फ्री रहता है ना चलो एक लेक्चर दो तीन लेक्चर लो एक ही टॉपिक ना मैं रियल बताऊँ जब तक आप लोग ऑप्शन नहीं बता देना तब तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं. अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन भी कराना रहता है इसलिए होता है. क्या है चलो लिसन स्टूडेंट अब देखो बिल्कुल हम लोग बेसिक से पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पहले कर लेते हैं. लिसन अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बेसिक से बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं ठीक है ना. अगर हमने मान लिया है कि यूजुअल टाइम डिस्टेंस पता है क्या नहीं पता. यूजुअल स्पीड पता है क्या नहीं पता. यूजुअल टाइम पता है क्या नहीं पता. तो हमने सपोज कर लिया कि यूजुअल जो डिस्टेंस है वो डी है यूजुअल स्पीड है एच और टाइम कितना है क्लियर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम हो गया. अच्छा एक बात बताओ वो दोनों केस में तो आप ही सी जा रहा है ना अपने तो उसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा. घर जहाँ है वही रहेगा ऑफिस जहाँ है वही रहेगी तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा एंड डिस्टेंस सेम है. तो पहले केस में अगर डिस्टेंस सेम है स्पीड कितने जा रहा है 60 किलोमीटर से तो वो यूजुअल टाइम का एक घंटा ज्यादा लेता है. यूजुअल टाइम का एक घंटा टाइम ज्यादा लेता है. आपने यूजुअल टाइम कितना लिया टी एक घंटा ज्यादा लिया यानी टी प्लस वन यानी कितना हो गया टी प्लस वन. क्लियर सीधे दिखाई नहीं दे रहे थे अरे उसको बहुत कुछ घुमाना पड़ता है. चलो सेकंड चलते हैं इसको मान लो अगर मानते हो तो इक्वेशन फिर से क्या डिस्टेंस तो अभी सेम है अब स्पीड कितनी हो गई है 80. अब 80 हो गई है तो क्या कर रहा है यूजुअल टाइम से 1 आवर जल्दी पहुंच जाता है यानी जितना टाइम लेना चाहिए उससे कम ले रहा है एक घंटे तो क्या होगा टी माइनस वन होगा राइट है. इक्वेशन टू हो गया क्यों. अब मैं ये बोलूं कि ये दोनों इक्वेशन वन और टू में डिस्टेंस आपका क्या है सेम है तो ये भी चीजें सेम होंगी अपने आप में तो ये क्या हो जाएगा 60 × t + 1 = 80 t - 1 होगा क्या. अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल टू से इसको कैंसिल करोगे तो 3 इसको कैंसिल करोगे तो 4. अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या होगा 3t + 3 = 4t - 4. अब कांस्टेंट को एक साथ कर लो और टी वाले टर्म को एक साथ कर लो अगर 4t इधर लेके आ गए तो क्या होगा 3 + 4 अब 4t और 3t को आप लोग राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या होगा -3t. तो t की वैल्यू कितनी आ गई 7 आवर्स. तो यूजुअल टाइम मिल गया क्या आपको
अगर यूजुअल टाइम मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो तो यूजुअल डिस्टेंस मिल जाएगी, तो आप इक्वेशन वन ही में रख दो तो क्या आ जाएगा 60 × 7 + 1 ये कितना होगा 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर राइट है, डिस्टेंस कितना आ गया 480 किलोमीटर। आपको क्या बताना है उसकी स्पीड बतानी है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस है कितना, टाइम कितना है 7 आवर है तो कितना गया 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर इतनी बात, एकदम बिल्कुल बेसिक था, समझ में आ गया ये क्लियर हुआ क्या सभी को? तो वासी वाली बात हो गई किस तरह आंसर कहा है समझ में आए? अरे भाई नोट मत करो थोड़ा सा नोट लो, ये तो आप लोग का बेसिक था, क्या इसी पे वर्क करना है क्या? आपके अंदर से तो ऐसा होना चाहिए सर कुछ अलग से बताओ, लेकिन आप तो बस हुआ नहीं आंसर होता है, चलो नोट कर लेते हैं। अच्छा ये भी पता नहीं चलता है, चलो ये समझ में आया आप लोगों को बेसिक में, किसी को कहीं प्रॉब्लम पूरा ओपन करके मैंने बताया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि हम लोग आगे करेंगे तो ये सारी चीजें बार बार नहीं करने वाले। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो दोनों का स्पीड गिवेन है, तो स्पीड गिवेन है, पहले परसेंटेज गिवेन रहता था तो इंक्रीज डिक्रीज की बात करते थे, यहाँ पे तो स्पीड दिया डायरेक्ट दोनों की स्पीड दिया हुआ, तो स्पीड का अगर रेशियो निकालें हम लोग, अगर स्पीड का रेशियो निकालें हम लोग तो क्या आएगा इनिशियल और फाइनल, तो पहला स्पीड कितना है 60, तो बाद में कितना हो गया 80, इनकी रेशियो निकालने से 3:4 आएगी क्या? क्लियर इतनी बात, तो टाइम का रेशियो 4:3, तो पहले जब स्पीड वो 3 से जा रहा था तो टाइम कितना लग रहा था 4, जब वो 4 से जा रहा था तो टाइम कितना लग रहा था 3, इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, और वहां पे दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, एक घंटा बाद जाता है एक घंटा पहले, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2। आप क्या करोगे यूजुअल टाइम आपसे पूछा ना, यूजुअल टाइम क्या है 4 यूनिट राइट है क्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू 2 करोगे 8 आवर्स हो गए, ये क्या हो गई 8 आवर्स, 8 आवर्स कब हो गई जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगता है 8 आवर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 × 8 तो कितना 480 किलोमीटर। अच्छा टाइम उसको यूजुअल टाइम कितना लगा है? जब वो 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जाता था एक घंटा ज्यादा लेता था, इसका मतलब यूजुअल टाइम एक घंटा कम होगी, तो उस समय यूजुअल टाइम आपने लिया कितना 8 आवर, 8 आवर से कम होगी ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 7 आवर, तो स्पीड कितना आ जाएगा 480/7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? अगर किसी को 7 आवर्स नहीं समझ में आया है तो यहां से देख सकता है t+1 टाइम लिया है, यूजुअल टाइम से एक ज्यादा लिया है, ये टोटल वैल्यू कितना दिया है 8 आया है, यानी t+1 की वैल्यू कितना आया 8, तो t की वैल्यू कितना हो गई 8 − 1 = 7 आवर्स। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? अब किसी का क्वेश्चन हो तो बोलो। खड़ा किधर हूं, समझ में आया? तो बेसिक कब अवॉर्ड करें हम लोग, फटाफट क्वेश्चन काफी करते हैं, हाँ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है हो गया नोट, चलो यही तो छोटा छोटा चीज मैंने बोला ना कि आपको रेशियो, देखो रेशियो यहाँ भी बना रहे हैं हम लोग, और रेशियो इसके पहले भी बनाते थे, मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं पहली क्लास लिया था तभी बताया था कि मैं रेशियो से मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर कर दूंगा, तो आपके फायदे की बात है कि एक ही मेथड से आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो रही है, एक ही मेथड से बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो रही है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि एक एक किसी टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लिए तो उससे हमें मैक्सिमम टॉपिक बन सकती है। कोई नहीं, साइलेंट कर लो,
गया ना। वो आप अगर यूजुअल टाइम पे जाओगे तो 100% मिलेगा, उससे मिलेगा। आप निकाले हो तो उसके बाद वेरीफाई करने जाओगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता इसमें मतलब रॉन्ग है। हो गया ना। चलो क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ the ratio of the speeds of A and B is 3:7 3:7 मतलब समझोगे 3:7 ऐसे लिखे, ठीक है ना, 3:7। If B takes 20 minute less time, if B takes 20 minute less than A, if B takes 20 minute less than A, 20 minute less than A to cover a certain distance, then what is the time, taken in minute by A to cover the distance, then what is the time taken in minute by A to cover the distance, to cover the distance 35, very good। हाँ आंसर भी आ गया, होनी चाहिए। अगर देखो अगर मेथड सीख रहे हो तो आपको इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। और किसी का अच्छा चलो लिख लो ऐसा बात है तो चलो हर क्वेश्चन में ऑप्शन देता हूँ मैं। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट एंड 45 मिनट। अब बैंक वालों को ले लिखना है तो उन्हें नाम दे दीजिए। लास्ट ऑप्शन अगर लिखना है 35, इसके बाद वाले में बताना। इस बार तो आंसर आ गया। चलो आया किसी का और? इस बार तो रेशियो भी बना के दे दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन तो और सिंपल कर दिया। हुआ क्या और किसी का आंसर ही नहीं? चलो देख ले फिर क्या हुआ, इधर से तो आंसर आते थे फिर क्या हुआ? चलो देखते हैं, ठीक है ना। इस बार रेशियो तो बना के दे दिया है, ये काम तो अच्छा कर दिया। 35 मिनट। चलो देखो स्पीड का रेशियो ए और बी का कितना दिया हुआ है, 3:7 तो टाइम का रेशियो 7:3, ठीक है ना। इनका बीच का डिफरेंस कितना है, और वहां पे कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मिनट। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको? 7 यूनिट का। कितने यूनिट का? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 35।
अगर रेशियो में सॉल्व करने का ना a का 3 है b का 7 है 7 का है ना 7 ऑप्शन मल्टीपल देखो क्या है किसका 7 का हां ऑप्शन मल्टीपल देखो क्या है रेशियो है ना सर आइडिया नहीं किया बढ़िया देखो कंसेप्ट क्या होता है ये प्रैक्टिस से होता है ये प्रैक्टिस होता है वो अपना मेथड खुद बन जाता है अदरवाइज नहीं है कोई चल नोट भी हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप कॉपी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उतना बड़ा सोल्यूशन ही नहीं दूंगा मैं लेकिन वो भी स्पीड में से नहीं ना अच्छा मैं देखता हूँ कुछ लोग तो कॉपी करते रहते हैं साथ साथ में जैसे मैं एग्जांपल हूँ तो आसिया नंबर वन ये तो मतलब कि आप शुरू नहीं कुछ बोर्ड पर लिख दो समझ भी लिया करो चलो क्वेश्चन लिखे इफ ए ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर he reaches his destination at 5 p.m. and if he increase his speed to 60 kilometer per hour, he reaches at 4 p.m. Find the distance he has to travel to reach his destination. Option drop. Find the distance he has to travel to reach his destination. Option drop. 200 kilometer. 400 kilometer. 300 kilometer. 300 kilometer. And 450 kilometer. 450. पहला ऑप्शन है 200 ना 200 है फिर 400 है फिर 300 है 450 है नन ऑफ दिस 300 कितना आया उधर 300 चलो बॉस से क्या हाँ सर आया 300 हाँ राइट चलो देख लेते फिर काफी लोगों का आंसर आ गया है ठीक हो हाँ नहीं मालूम है क्योंकि मैं ऑप्शन जब बोल रहा था तभी आंसर आ गया था राइट उधर से आंसर तभी आया था जब मैं ऑप्शन बोल रहा ठीक है ना चलो ठीक है देखते हैं देखो क्या दिया हुआ है पहले स्पीड कितना था 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता था फिर वो कितना किया इंक्रीज किया 60 किलोमीटर पर आवर्स कर लिया तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया तो टाइम का रेशियो ठीक है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब वहां पे क्या है पहले 5 PM लिसन पहले 5 PM पे जाता था अभी क्या जा रहा है वो 4 PM पे दोनों के बीच का फिर से डिफरेंस वन यूनिट की वाली क्या है 1 आवर अब टाइम किसी से भी निकाल लो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकालो अगर इससे टाइम निकालोगे तो स्पीड कौन सा लोगे 60 वाला अगर इससे टाइम निकालोगे तो स्पीड कौन सा लोगे 50 वाला
अगर वन यूनिट की वैल्यू वन आवर है तो सिक्स यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 50, टाइम कितना है 6, इज इक्वल टू 300। चलो समझा गया। अच्छा देखो, जिन लोगों का छूट गया वो मैनेजमेंट से बोलोगे, वो लोग अपना अरेंज करेंगे, जैसे भी जाए कहाँ से कहीं से वो करेंगे, बताएंगे कब। हो गया नोट। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिसन गाइस, क्वेश्चन लिखो। इफ अ पर्सन क्वेश्चन लिखो आप लोग, इफ अ पर्सन रिड्यूसेज हिज स्पीड बाय 20%, ही टेक्स 50 मिनट टू रीच, देखो इफ अ पर्सन रिड्यूसेज हिज स्पीड बाय 20%, ही टेक्स 50 मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, find the time taken by the person in minute to reach his destination. आगे लिखो, to reach his destination, if he increase his speed by 25%. ऑप्शन लिखो आपको, हाँ 40% 40 मिनट, पहला ऑप्शन है 40 मिनट, 32 मिनट, 32 मिनट, 48 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट, एंड नन ऑफ, 48 मिनट, 50 मिनट, एंड नन ऑफ दिस। एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ अ पर्सन रिड्यूसेज हिज स्पीड बाय 20%, ही टेक्स 50 मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन इन मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड, find the time taken by the person in minute to reach his destination if he increase his speed by 25%. Karo. क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना, 40 देखो तुक्का मारना तो भूल जाओ आप लोग, मैं दो तीन क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि आप सॉल्व करो तुक्का, अगर वो तो एग्जाम के लिए छोड़ो ना, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एग्जाम के लिए छोड़ो, अभी यहाँ तुक्का मारे बैठे हो, कंसेप्ट सीखने में कोई है ही नहीं, आज जिसका तुक्का लग गया उसको लगेगा मैं तो सही बता दिया, वो तो कंसेप्ट कभी नहीं सीखेगा। नहीं तुक्का मारने में यही प्रॉब्लम है, जिसका अगर सही हो गया ना वो कभी नहीं सीखेगा, वो तो कहेगा मेरा तो सही है, मेरे को तो आ रहा था तभी तो मैंने बताया, लेकिन वो सही, ऑप्शन तो आपके पास है, ऑप्शन आप बता दिया, वेरीफाई तो मैं सॉल्व करने के बाद ही बताऊं। तो क्वेश्चन तो आपके चेंज होते जाएंगे, क्वेश्चन तो चेंज होते जाएंगे, कब तक बेसिक करते रहोगे। चलो देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात, पर्सन का यूजुअल टाइम पता है क्या? नहीं ना,
अगर यूजुअल टाइम हमें पता रहता सब काम बन जाता तो पहले उसी पे चलते हैं। चलो पहले क्या दिया वैसे, अ पर्सन रिड्यूस स्पीड बाय 20%। स्पीड क्या करता है उसने, 20% रिड्यूस करता है, दैट मींस 1/5। अब 1/5 है तो स्पीड का रेशियो बताओ, 5:4 बनेगा क्योंकि क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो टाइम का रेशियो बता दो, 4:5। यानी जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था टाइम कितना रहता है, 4। आज जब 4 की स्पीड से जा रहा था तो 5। अब उसने बोला क्या कि जब अपना स्पीड रिड्यूस किया है, डिक्रीज किया है, तो उसको टाइम कितना लगा, 50 मिनट। तो जब उसने स्पीड डिक्रीज किया तो उसको टाइम कितना लगा, 5 मिनट। यानी किसकी वैल्यू दिया हुआ, 5 मिनट। अब बहुत सारे लोगों डिफरेंस लिए होंगे, पर ये सोचो तो कॉमन, ये भी तो देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ। उसने सीधे बोला क्वेश्चन में कि जब वो अपना स्पीड डिक्रीज करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, 50 मिनट। तो टाइम तो इसकी वैल्यू बोला ना ये, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 मिनट। देखो इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मिनट। ये क्या आपका यूजुअल टाइम है ना, यूजुअल टाइम कितना आ गया, 40 मिनट। 40 मिनट। अब इसने क्या बोला है कि जब अपना स्पीड वो 25% इंक्रीज करता है, जब वो अपना स्पीड 25% इंक्रीज करता है तो टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। यानी अब उसको फाइनल टाइम पूछ रहा है। देखो अभी ये क्या है, 40 मिनट यूजुअल टाइम है, ठीक है ना। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5, क्योंकि क्या हुआ स्पीड इंक्रीज हुई है, तो टाइम का रेशियो 5:4। अब कितने यूनिट की वैल्यू गिवन है, 1 कितने यूनिट की वैल्यू आपने निकाला है, 4 यूनिट। अच्छा कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5। कंफ्यूजन हो गया ना। लिसन गाइस, आप कभी भी निकालोगे जब ये बोल रहा है कि इंक्रीज होने के बाद बोल रहा है, यूजुअल स्पीड तो पहले स्टार्टिंग वाला आता है, यूजुअल तो पूछे नहीं रहा, वो तो इंक्रीज होने के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब किसके निकालना है, 4 यूनिट का। यूजुअल टाइम आपको गिवन है कितना है, अभी जस्ट निकाला आपने 40 मिनट, यूजुअल टाइम कितना निकाला, 40 मिनट। तो यानी कि ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मिनट। अब बहुत सारे लोगों से सर 5 यहाँ 50 यहाँ 5 40 कैसे हो गए, ये कन्फ्यूजन वाला बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। लेकिन रीजन क्या है, यहाँ ये चीज अलग है, यहाँ पे अलग दिया हुआ, यहाँ इंक्रीज होने वाले का दिया है, यहाँ पे क्या है बनना है, यूजुअल टाइम, ये यूजुअल टाइम। तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट। आपको कितने वैल्यू की निकालनी है, 4 की, तो कितना हो गया, 32 मिनट। कब बोला था? चलो ठीक है। तो सॉल्व करना आप लोग सीखोगे तो 100% होगा। हो गया नो नोट हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो आपको, चलो एक क्वेश्चन में बोलता हूँ ना, इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी के पास होगा लेकिन बताएगा कौन, ये इम्पोर्टेंट आंसर सभी के पास होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ, आंसर तो आंसर 90% लोगों के पास होगा। चलो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आंसर होगा, अगर रेशियो बनाना आपने सीखा है ना, रेशियो बना ले रहे हो ना, तो मैं पक्के बता रहा हूँ कि आपके पास आंसर तो है, बट आपका अब देखो आंसर कौन देता है, इम्पोर्टेंट लिखो। व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम द ऑफिस टू होम, व्हाइल
ट्रेवलिंग फ्रॉम वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम Ram's car got some problem. So he took 25% more time. So he took 25% more time. Sorry, more than usual time. More than usual time. 25% more than usual time. To reach home. His speed in this case. क्या हो गया? His speed in this case is what part of the usual speed. हो गया? बताओ यार किसका कॉल आने लगा? वन बाई फाइव नहीं नहीं ऑप्शन नहीं है तो चलो देखते हैं। हाँ कितना आया? 5/4, 1/5 और किसी का क्या आया? 1/5। देखो क्या दिया हुआ है, लिसन गाइस, इनका क्या दिया हुआ है कि समथिंग कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी टाइम इंक्रीज हो गया। कितना? 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो ये टाइम का बात बोला है ना, तो पहले अगर इनिशियल टाइम 4 है तो फाइनल स्पीड कितना होगा? एक बात बताओ आप लोग, क्या नहीं वो अपने घर से ऑफिस ही तो जा रहा है ना? सही, ऑफिस से घर ही तो जा रहा है ना। देखो लिसन गाइस, तो ये कितना होगा? 5:4। अब इतना किसका नहीं हुआ है? हर किसी का हुआ है ना, मैंने बोला है आंसर सभी के पास होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे आप? अपने यूजुअल स्पीड का कितना स्पीड अटेंड किया, मतलब कि वो जब इन दिस केस, मतलब जब उसकी टाइम डिक्रीज हुआ तो उसने स्पीड कितना थी? 25। कितना थी? 4 थी। किसकी? 5 थी। तो 4/5 पार्ट, समझा क्या?
समझा क्या? 4/5 यानी उसकी टोटल यूजुअल स्पीड कितनी थी? 5। ये तो यूजुअल स्पीड है ना, यूजुअल स्पीड कितनी थी? 5। उसने अटेंड कितना किया? 4। तो 4/5 वाला पार्ट ही तो अटेंड किया ना। अगर लॉजिकल थोड़ा सोचते हो आप लोग विदाउट पेन और कॉपी तो कैसे करते? देखो अगर विदाउट लॉजिकल करते आप लोग ना तो भी आप कर ले जाते। ये जानते हो कैसे? ये जानते हो कैसे? जैसे आप क्या क्या 25% है ना, 25% है ना, तो आप क्या कर देते? अगर 25% है ना तो आप क्या कर लेते कि 25 टोटल कितना होता है? 100%। टोटल कितना होता है? 100%। अब 100% में से वो 25% रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ टाइम, तो स्पीड इसका मतलब क्या है? 25% डिक्रीज हुई होगी, तो 25 बनेगा। अगर 100 में लेखें तो उसका मतलब कितना? एक पार्ट तो कितना डिक्रीज हो गया टोटल का। अगर एक पार्ट डिक्रीज हो गया, टोटल अगर 5 था उसमें से एक पार्ट डिक्रीज होगा तो बचा कितना? 4। चलो क्वेश्चन लिखो सर। हाँ जी सर, मुझे ना एक डाउट था। हाँ बोलो ना। इधर दिया है 25% मोर देन, तो 25% मोर देन, मोर टाइम लगा ना उसको। हाँ ज्यादा टाइम लगा। हाँ तो मुझे क्या लगता है कि फिर उसके वजह से तो ये बाद में ये हुआ ना, मतलब इंक्रीज हुआ ना 1/4, तो उसके पहले इनिशियल टाइम मुझे तो लगता है कि उससे कम रहना चाहिए ना। इनिशियल टाइम कम नहीं है, देखो इनिशियल टाइम 4 है, फाइनल टाइम कितना बना? 5 बना। नहीं पर 25% मोर लगा तो फिर फाइनल 1/4 रहेगा ना। फाइनल 1/4 क्यों जा रहे हो आप? अगर इनिशियल स्पीड आपकी कम है, इनिशियल टाइम कम है तो फाइनल इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा। तो देखो पर इनिशियल टाइम 4 है तो फाइनल टाइम इंक्रीज होने के बाद 5 तो हुआ है। हाँ ओके। क्वेश्चन लिखो आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स The distance between two points, A and B each 720 kilometer. A and B each 720 kilometers. If Ram and Shyam start together, from point A towards point B, Ram takes three hours more than Shyam to reach B. Instead, if Ram doubles his speed, Ram takes three hours less than Shyam to reach B. Find the speed of Shyam. Find the speed of Shyam. Option निकलो अपने। 60 km/h. 70 km/h. 80 km/h. 90 km/h. लास्ट 99। हो गया क्वेश्चन सभी का? नो 99। 60 देखो आप लोग, 60 था। अच्छा चलो आपका 60 आया। Thank you.
ए नहीं तो डी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुक्का मारना भी बंद करो, आप कंसेप्ट पे आओ। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को लगेगा ऐसा है। इक्वेशन तो अपना बेसिक मेथड से जाओगे तो जरूर इक्वेशन बनना चाहिए। आंसर पे आप लोग क्यों भाग रहे हो बार बार? क्या हो गया? गर्मी हो रहा है। अच्छा ऐसी काम नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, क्वेश्चन अच्छा है, अब क्वेश्चन थोड़ा मिलेंगे भी। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? आया क्या किसी का? आया किसी का? क्या मोबाइल तो साइलेंट कर दो। अच्छा एक कहा जाता है फोन, तो उसके बाद सारे लोग साइलेंट नहीं करते, सोचते कि मेरा जब आएगा देखेंगे। आया किसी का आंसर? चलो कितना 60। चलो स्टूडेंट देखते हैं ना, फिर देखते हैं। नहीं आएगा आंसर मालूम है, क्योंकि आप लोगों को ना बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है। देखो क्या देगा क्वेश्चन, पहले समझो आप लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर राम और श्याम लिसन हो गया 80 मिनट लिसन। अब हमें क्या करना है, देखो राम और श्याम एक पॉइंट से चल रहे हैं, किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, दोनों साथ में जा रहे हैं। जब राम अपने यूजुअल स्पीड से जाता है, श्याम भी यूजुअल स्पीड से जाता है, तो राम 3 घंटे ज्यादा लेता है, राइट है क्या? राम क्या कर रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर राम फिर से अपनी स्पीड को क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है, तो क्या कर रहा है, श्याम की स्पीड से 3 घंटे कम लेता है, राइट है, 3 घंटे कम लेता है। तो आपको बताना है श्याम की स्पीड कितनी थी, क्लियर? तो एक बात बताओ, जो भी कुछ हो रहा है, श्याम तो अपनी यूजुअल स्पीड से ही जा रहा है, श्याम तो अपनी स्पीड को नहीं चेंज किया, चेंज किसने किया? राम को। तो राम की भी बात कर लेते हैं फिर, राम की बात करो, राम की पहले स्पीड, अगर राम की स्पीड की बात करूं मैं, तो अगर पहले स्पीड 8 थी तो बाद में कितना हो गया, 2R, यानी पहले यस थी तो बाद में कितने गई, 2S हो गई। मैं इसको 1:2 ले लूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी पहले स्पीड यूजुअल स्पीड 1 थी, बाद में डबल कर दिया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो टाइम का रेशियो 2:1, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, यानी पहले जब 1 की यूजुअल स्पीड से जाता था तब 2 लिया, और जब इंक्रीज हुआ स्पीड तो कितना लिया, 1 लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अब 1 यूनिट की वैल्यू वहां पे कितना दिया हुआ, 6 दिया ना, 3 आवर लेट हुआ, 3 आवर पहले अर्ली आया, तो क्या होगा, 6 आवर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 आवर, तो आप क्या कर लो, चाहे यहां से वैल्यू निकाल लो, चाहे यहां से वैल्यू निकाल लो। अगर इस केस में निकाल रहे हो तो राम इस केस में क्या है, यूजुअल स्पीड से जाता है, यूजुअल स्पीड से जाता है, इसका मतलब राम इसमें क्या कर रहा है, 3 घंटे ज्यादा लेता है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो देखो अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, थोड़ा सा और कम टाइम लेना चाहते हो, मतलब कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड और कम करना चाहते हो, तो आप इसको मत जाओ, आप 1 यूनिट की वैल्यू 6 आवर दिया ना, तो आपकी यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू तो है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 6 आवर। ये किस केस में आई है, जब राम ने अपनी स्पीड को डबल किया, तो उस समय राम क्या गया, 3 घंटे पहले ही पहुंच जा रहा था श्याम से, इसका मतलब श्याम ने 3 घंटे और लिया होगा, श्याम ने 3 घंटे और लिया होगा, तो श्याम का टाइम क्या हो गया, 6+3, इसका मतलब कितना हुआ, 9 आवर। तो श्याम की स्पीड कितना हो गई, स्पीड ऑफ श्याम कितना हो गई, टोटल डिस्टेंस कितना, 720, टाइम कितना, 9, कितना हो गया, 80 किलोमीटर।
बराबर समझा। 60 आएगा, 60 किसका आएगा, वो राम का आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर आएगा राम। देखो हमने क्या किया, अगर राम की स्पीड पहले यूजुअल कितना है 1 है, तो फिर राम ने डबल कर दी स्पीड, स्पीड कितना हो गई 2 हो गई, तो टाइम का रेशियो 2:2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अब वहां पे पहले 3 घंटे ज्यादा ले रहा था, 3 घंटे कम ले रहा है, टोटल डिफरेंस कितना हो गया 6 आवर्स का, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आवर्स। अब बताओ ये जो एक इसकी स्पीड आई है, टाइम आया राम का, और राम का टाइम कब आया, जब राम ने अपनी स्पीड डबल किया, और जब राम ने अपनी स्पीड डबल किया था शाम से 3 घंटे पहले ही पहुंच गया था उसने, तो शाम की टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे और लगेगा ना, तो 3 घंटे 6+3=9 आवर्स। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। वो 720 कहाँ से आया है? 720 क्वेश्चन में दिया होगा ना। हाँ हाँ क्वेश्चन में दिया होगा। डिस्टेंस दिया हुआ ना 1:2 है। हाँ टोटल 3 होगा, तो रेशियो हो गया, तो अगला बात करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखो आप लोग। शताब्दी एक्सप्रेस काफी बोर हो गए होगे, थोड़ा घूम भी लो आप लोग, शताब्दी एक्सप्रेस की फीलिंग ले लो थोड़ा। शताब्दी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट after covering half of the distance it increased its usual speed by 1/6 of original speed and reached Chandigarh on scheduled time. क्या हो गया, and reached Chandigarh on scheduled time. Find the usual time in minute taken by Shatabdi Express to cover complete journey. ऑप्शन लिख लो आप लोग, 280 मिनट सेकंड ऑप्शन, 560 मिनट थर्ड ऑप्शन है, 420 मिनट एंड डी ऑप्शन है 620 मिनट नन ऑफ दी। टू एट्टी
आधा सोल्यूशन आपने 280 आधा सोल्यूशन है तो पूरा टोटल के लिए डबल कितना कितना आया आंसर आया क्या किसी का क्यों ना लिसन गाइस चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते पहले तो आप लोग अपने में डिस्कशन करके क्या करोगे अच्छा मान लो पूछ रहे हो क्या ना विशाल अगर मान लो पूछ लोगे अगर बता भी दिया तो क्या मिल जाएगा अगर अभी आप अपने से ट्राई करो यहाँ पे ऐसा तो है ना कि एग्जाम में ले रहा हूँ तो मार्क्स आ जाएंगे ऐसा तो है आप अपने से देखो अपना दिमाग लगाओ फिर चीजें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ अगर जब सोल्यूशन मिलेगा आपको तो वहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू द किसी के बताने से ठीक है ना वो तो बाद में हमें नहीं होता था हम डिस्कशन में बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं यार क्वेश्चन नहीं आ रहा था डिस्कस करते हैं क्या हुआ वो बात की बात है दो क्लास के बाहर होते चलो देखें इस क्वेश्चन को चलो अगर हम सपोज कर लेते हैं ये अगर चंडीगढ़ है ये दिल्ली है तो ये आपका क्या है चंडीगढ़ ठीक है ना टोटल डिस्टेंस हमें तो पता है नहीं तो हम टोटल डिस्टेंस कितना सपोज कर लेते हैं टू क्योंकि हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया है अगर टू का हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा वन आएगा इसका मतलब ये वन आ गया यानी वन यहाँ पे कवर किया वन यहाँ पे ये वन कवर करने के बाद क्या हो रहा है इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है यानी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज की होकर कितनी हो रही है 1/6 ऑफ यूजुअल स्पीड मतलब वही हुआ ना अगर ये परसेंटेज में देता तो कितनी वैल्यू देता 16:2/3% देता ठीक है ना तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना दिया है 1/6 इंक्रीज हुई है ना तो अगर स्पीड का रेशियो हम लोग बना है इनिशियल स्पीड अगर 6 लेंगे तो फाइनल स्पीड 7 क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो टाइम क्या बनेगा ठीक अब इसका मतलब क्या पहले वो 6 से जाता था तो स्पीड कितना लगता टाइम कितना लगा 7 और जब उसने स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कितना लगा 6 यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना तो वहां पे डिफरेंस कितना थी 40 मिनट पहले ही लेट तो कितना हो गया 40 मिनट तो आपसे क्या पूछा है यूजुअल टाइम तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी कितने यूनिट 7 यूनिट की तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 20 है 280 मिनट जो ऑप्शन में है दिया है लेकिन ये स्टूडेंट देखो ये किसकी डिस्टेंस निकाल हाफ डिस्टेंस का ये हाफ डिस्टेंस का यूजुअल टाइम दिया हुआ है फुल डिस्टेंस का यूजुअल टाइम नहीं गिवन है तो हाफ डिस्टेंस का यूजुअल टाइम गिवन है तो हाफ डिस्टेंस का यूजुअल टाइम कितना होगा 280 मिनट तो पूरे डिस्टेंस का कितना होगा जस्ट इसका क्या होगा डबल होगा ना जस्ट इसका क्या होगा डबल होगा तो पूरा कितना हो जाएगा 280 × 2 = 560 मिनट समझ में बताया था तो चलो आप लोग एक बात बताओ बताया था तो हमने डबल ही क्यों किया क्या ऐसा कोई कांस्टेंट है क्या कि मतलब कि यहाँ से हम अगर दादर जाएंगे जिस स्पीड से वही स्पीड से दादर से चंडीगढ़ भी जाएंगे तो फिर अपने डबल डायरेक्ट कैसे कर लिए अगर आप कांस्टेंट नहीं है तो डबल कैसे करोगे और हाफ है इसका क्या मतलब मैं तो डिस्टेंस भी बता दिया चलो ये हाफ है यहाँ से दादर का डिस्टेंस दादर से चंडीगढ़ मिडिल में चर्च दादर आप बताओ सही रीजन बताओ ना सिंपल है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि दादर मैंने बता दिया बीच में आपका मिडिल में है यहाँ से चर्च गेट दादर आपका बीच में हो गया तो दादर और इनके बीच का डिस्टेंस सेम दादर से चर्च गेट का सेम लेकिन दादर से चर्च गेट का टाइम आपको मिल गया तो दादर से फिर अंधेरी का भी डिस्टेंस क्यों उतना ही ले रहे हो तभी तो ऐड कर रहे हो ना डबल कर रहे हो या तो बोल रहे हो कि यहाँ भी 280 मिनट लगा है 280 मिनट यहाँ भी लगा है ये तो बोल रहे हो ना खाना तो यही चाहते हो ना दोनों काट क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो राइट है आप थोड़ा सा पहुंचो इसने क्या बोला है शेड्यूल टाइम सुना आप लोगों ने शेड्यूल टाइम क्या होता है यूजुअल टाइम होता है वो जो हमारे क्या होते हैं फिक्स होता है वो क्या वैल्यू होती है वो फिक्स होता है दैट मीन वो कांस्टेंट होता है
ये वही पूछा आपसे, यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर यहाँ से किसी को दिल्ली जाना है तो कोई ट्रेन है 24 आवर्स लेती है, तो 24 आवर्स वो फिक्स है, उसके बाद लेट हो या जल्दी पहुंच जाओ वो अलग मैटर हो जाता है, वो प्रेजेंट टाइम में आता है। वो क्या आता है? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम या यूजुअल टाइम में डिफरेंस पहले समझो। अगर आपने यहाँ से 24 आवर्स लग रहा है, आपने लेट अगर वहाँ पहुंचे 25 आवर्स लग गए, तो आपने टोटल बताओगे कितना? 25 आवर्स। तो 25 आवर्स जो मिला वो क्या आपका प्रेजेंट टाइम है। लेकिन यूजुअल टाइम को ये पूछेगा कितना आएगा, आप 24 ही बताओ, आप उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करते हो। तो इसलिए यहाँ पे यूजुअल टाइम बोला था, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, डबल कर दिया, अदरवाइज नहीं कर पाते। क्लियर? चलो नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन लिखो। अ ट्रेन कवरिंग, लिसन गाइस, क्वेश्चन लिखो आप लोग। A train covering 1/4 of the total distance, 1/4 of the total distance, 1/4 of the total distance decreases its speed by 1/3, speed by 1/3 of its usual speed and reaches destination 1 hour 20 minutes late. Find the usual time taken in minute by train to cover complete distance. एक आंसर मिला इधर। देखो इस क्वेश्चन को, और किसी का आया क्या आंसर? क्वेश्चन तो सेम है, आया क्या किसी का आंसर? क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन आप बताओ। एक ऑप्शन आया है, एक आंसर आया है, दो तीन आप बता दो, एक नैना बीच कर देता हूं मैं। टू फोर्टी मिनट। और उधर क्या कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो कि बस?
अच्छा आपका तो आया 250, आपका भी है, चलो ठीक है, देखें फिर क्वेश्चन को, चलो देखते हैं क्या दिया है। अ ट्रेन कवरिंग 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको पता तो है नहीं, आप मान लो टोटल डिस्टेंस 4, टोटल डिस्टेंस मान लो 4, अगर इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 1, इसका मतलब 1 कवर करने के बाद बचा कितना 3 पार्ट में इतने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया डिक्रीज किया, डिक्रीज किया है 1/3 ऑफ द यूजुअल स्पीड, अगर स्पीड की वैल्यू पहले 3 थी तो बाद में कितना हो गई 2, तो टाइम कितना हो गया 2:3, 2:3, अब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना लेट हुआ उसने 80 मिनट लेट हुआ है ना। आपसे क्या पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम मतलब कितना 8 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 160 मिनट। ये किसका टाइम आया 3 पार्ट का, कितने का आया 3 पार्ट, आपको क्या चाहिए टोटल 4 पार्ट का, तो देखो सिंपल लगा दो उससे डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, 360 × 4/3, लेकिन अगर वहां पे नहीं मैं लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, यूनिटी मेथड एक मिनट लगा लो आपको, यूनिटी मेथड नोट कर लेना बाद में, इधर देख लो कर लेना ना, आप तो टाइम दिया था अब इधर देख लो, ठीक है। अब देखो क्या है 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है 160 मिनट, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 by 3 मिनट, आपको कितने चाहिए 4 की, 160 × 4/3, तो कितना हो गया 641। समझा गया, नोट करो उधर तो आप लोग लगता है जैसे दादा वाला वो नहीं होता है चुटकी बजाओ या फिर ऐसे क्या चल रहा है क्लास है। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे, देखो पहले स्पीड कितनी थी उसने बोला कि अपना स्पीड यूजुअल टाइम से 1/3 स्पीड क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया स्पीड, अगर स्पीड डिक्रीज कर दिया तो पहले स्पीड अगर 3 थी तो डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा 2:3 जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें टाइम का तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दिया वहां पे कितना लेट हुआ है 80 मिनट हो गया, आपको यूजुअल टाइम पूछा है ना, यूजुअल टाइम कितना है 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 80 × 2 = 160 मिनट, अब 160 मिनट कितने पार्ट की वैल्यू है 3 पार्ट की, तो 3 पार्ट की वैल्यू 160 मिनट है, 1 की कितनी हो जाएगी, सर एक सेकंड आपको 1 एक सेकंड मुझे वो नहीं समझ में आया 160 का 3 पार्ट में कैसे है, अरे ये दिखाया ना मैंने ये जो चेंज हुआ है 3 पार्ट में ही स्पीड चेंज हुआ ना इसका, 1 पार्ट के बाद बोला ना क्वेश्चन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवरिंग द डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस का 1/4 जब इसने कवर किया, क्लियर ओके हाँ चलो ठीक है। हाँ जी ये आपने अज्यूम किया है कि 4 है टोटल, हाँ टोटल तो उसके बदले दूसरा नंबर लेके कर सकते हैं क्या, कर लो आप ओके ठीक है, क्वेश्चन देखें नोट हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ ट्रेन आफ्टर, हाँ लास्ट क्वेश्चन, हाँ पक्का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे भी निकलना है जल्दी है, ठीक है ना लास्ट क्वेश्चन लिखो आप, अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्रेन आफ्टर कवरिंग 20% distance
reduced its speed by 20% and reached a certain destination one twenty minute late. Find the present time. Time taken by train. To cover complete distance. Option लिख लो. 8 hours. Option लिखो 8 hours. 10 hours. 12 hours. 14 hours. 8 hours, 10 hours. चलो ये 10 हो गया, दो ऑप्शन और बचे. और किसी का? हाँ हाँ हाँ, सॉल्व करो इसको, बताओ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए. Ten. एट आवर. अच्छा, 8:10 में ही जनरल छोड़ गया. एट आवर आंसर है. एट आवर आपका भी आ रहा है. 14 आवर्स. वाह, ले रहा बोली चल रही है यहाँ पे. जैसे देखते हैं, लिसन गाइस, देख लेते हैं अभी, राइट या रॉन्ग तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने सही आंसर पे गया है. चलो देख लेते हैं क्या किया उसने. आफ्टर कवरिंग द 20% डिस्टेंस, 20% डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो 20% का मतलब 1/5, तो फिर से मैं टोटल डिस्टेंस कितना लूंगा, 5 ले लेंगे हम लोग. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 5. 1/5 इसका निकालेंगे कितना आएगा, 1. तो यानी 1 यहाँ पे आ गया, 4 पार्ट है बच्चा. 4 पार्ट में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना. इस पार्ट में चेंजिंग हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, जो भी टाइम में लगेगा इसका वैल्यू मिलेगा. अब इसने दिया क्या है कि 20% आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस, वो क्या किया, 20% स्पीड क्या किया, रिड्यूस किया है. तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर पहले 5 था तब कितना हो जाएगा 4, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस. और वहां पे कितना है, मतलब 2 आवर्स. 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 आवर्स. तो प्रेजेंट टाइम कितना है, मतलब कि यूजुअल टाइम कितना होगा, 2 की 8 आवर्स आ गया. 8 आवर्स कितनी की वैल्यू आ गई, 4 की. देखो 4 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 8/4, तो 5 की वैल्यू 8/4 × 5 = कितना हो गया, 10 आवर. कितना आ गया, 10 आवर. अच्छा, ये आंसर सही है.
आंसर सही है, पहले ये बताओ फिर उसके बाद कितना आंसर है। आंसर अगर सही है तो बताओ, अगर नहीं सही है तो बताओ, ये पहले बताओ फिर। राइट, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट, आप रीड करो लास्ट का स्टेटमेंट, लास्ट का स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड करो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन ओवर कंप्लीट डिस्टेंस, तो कितना आएगा। कितना प्रेजेंट टाइम, कितना प्रेजेंट टाइम पूछा ना, कितना मतलब वो तो यही हालत तो आ गई है कि मतलब खाना रखा गया, हमें समझ में नहीं आया खाए कि नहीं खाए, मतलब ऑप्शन आप लोग नहीं, मतलब ऑप्शन टिक करने नहीं आ रहा है आंसर तो सब कुछ ऐसे। मैंने स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ट्रेन का क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही मैं यूजुअल टाइम और प्रेजेंट टाइम के बीच का डिफरेंस समझा था। प्रेजेंट टाइम क्या होता है, जब आप पहुंचते हो सब उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे पहले पहुंच जाओ चाहे लेट पहुंचो, ठीक है ना। यूजुअल टाइम वो टाइम होता है जो शेड्यूल टाइम होता है, जो पहले से फिक्स होता है। यहाँ पे ये क्या आया, 10 आवर्स यूजुअल टाइम आया, आपने यूजुअल टाइम निकाला, तो प्रेजेंट टाइम क्या आएगा, 2 आवर्स लेट भी तो हुए हो ना, तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि नहीं करोगे, उसमें छोड़ दोगे उसको। भाई 2 आवर्स लेट हुए तो उसको ऐड करोगे ना, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट टाइम, इसके आंसर कितना आएगा, 12 आवर्स। समझ में आया क्या, ये ऐसा मिस्टेक कभी मत करना। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज को डिफरेंशिएट क्लियर किया था कि हाँ क्या होता है, ताकि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिलेगा। अब देखो ऑप्शन, लिसन गाइस, हेलो, यहाँ पे ऑप्शन देखो कितना रिलेटेड था, 8 भी आप लोगों का आंसर में आया था, 8 आया था ऑप्शन में था, 10 आया है वो भी ऑप्शन में था, 12 भी ऑप्शन में, एक 14 ऑप्शन कॉल डिफरेंट था, बाकी सारे ऑप्शन थे आपके। तो आपको डिफाइन करना है आंसर कौन सा टिक करना है, ऐसे ही ऑप्शन बनते हैं। क्लियर, ओके, नोट कर लो। सर फिर से बताए ना जो प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम मतलब क्या होगा, जो लेट हुए हो आप वो भी तो टाइम ऐड करोगे ना, यूजुअल टाइम 10 आवर्स है तो प्रेजेंट टाइम कितना होगा, 10 आवर्स पहले का शेड्यूल टाइम प्लस 2 आवर्स लेट हुए हो आप, तो टोटल कितना हो गया, 12 आवर्स। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्लास में क्या बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम तो नहीं हुआ ना, इन नेक्स्ट क्लास में होगा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आप लोगों का नोट हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन नोट हो गया, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।